स्वामी जी, बढ़ा हुआ बीपी जो है और ऑपरेशन से बाहर के झंझावातों से आप मुक्त रह सकते हैं। जी जी मेरे भाई, स्वामी जी, बढ़ा हुआ बीपी हार्ट अटैक की पहली वजह है, तो हार्ट को मजबूत रखने के लिए भी कुछ उपाय बता दें आप। जी, तो देखो, हार्ट की बीमारी के 5 बड़े कारण हैं। ऐसे तो 10 कारण हैं, 5 बड़े कारण हैं। एक तो मोटापा, तो एक तो अपने मोटापा को ठीक करने के लिए एक एक पैर से या दोनों पैरों से यह अर्धलासन करें। हार्ट की बीमारी का बड़ा कारण है हाई बीपी। हार्ट की बीमारी का बड़ा कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल। हार्ट की बीमारी का बड़ा कारण है ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, और कोई कोई तो बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहता है, उनका नींद अच्छी नहीं आती, वो भी हार्ट की बीमारी का कारण बन जाता है। और किसी किसी को जेनेटिकली भी हार्ट की बीमारी होती है। तो एक तो ये जो हम योगाभ्यास आज बताए हैं बीपी के लिए, ये सेम योगाभ्यास हार्ट के लिए भी, और वेट बढ़ा हुआ है तो ये अभ्यास भी कर ले जो आप बता रहे हैं अभी। अर्धहलासन, पादवृत्तासन 5-5, 10-10 बार से शुरू करके 25-50 बार ये अभ्यास कराते हैं। फिर किसी किसी को साइलेंट हार्ट अटैक होता है डायबिटीज़ के कारण से, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए मात्र 5 आसन ही कर ले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मंडूक आसन और वक्रासन। अब बताओ, इतने अभ्यास तो सभी कर सकते हैं ना। तो ये अर्धहलासन से शुरू करके और द्विचक्रिका आसन तक, तो ये अभ्यास सब करें। और यदि शुगर भी बढ़ा हुआ हो तो मात्र ये पवन मुक्तासन ऐसे 2 मिनट से लेके, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो बीपी के पेशेंट जैसे अपने आप को क्योर कर लेते हैं, ऐसे डायबिटीज भी क्योर होती है। उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कपालभाति के साथ कर ले। और अच्छा स्वामी जी, अर्जुन की छाल दालचीनी उबाल करके पी ले, हृदयामृत ले, लौकी का जूस उनके लिए भी समान ही है। स्वामी जी, कुछ देर पहले आप गुस्से का जिक्र कर रहे थे, तो समासन कर ले अंत में। जी स्वामी जी, कुछ देर पहले आप गुस्से का भी जिक्र कर रहे थे, और कहा भी जाता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, बीपी हाई हो जाएगा, तो क्या वाकई गुस्सा आना बीपी के बढ़ जाने की वजह बनता है? देखो, जिनको गुस्सा बहुत आता है, चलो बैठ जाओ भाई, बटरफ्लाई करते हैं। गुस्सा जो है बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम की, और पूरे शरीर में आग लग जाती है, उससे स्ट्रेस एंजाइटी भी बढ़ती है, उससे हाइपरटेंशन के साथ साथ एसिडिटी भी बढ़ती है, और गुस्से से पूरे अंदर की जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें घोटाला हो जाता है। तो देखो, हम खाली एक जड़ शरीर नहीं है, एक चैतन्य आत्मा भी तो हैं, उसको रूह बोलो, सोल बोलो, उसको सुप एनर्जी बोलो, जो भी बोलो। तो देखो, अपने आप को शांत रखने के लिए 3 उपाय गुस्से को कम करने के लिए। एक तो मेरी ही जैसी आत्मा, एक ही परमात्मा खुदा अल्लाह वाहेगुरु अकाल पुरुष सब में, तो ऐसी भावना। दूसरा जो है गुस्से को कम करने के लिए आदमी को ये जो शीतरी शीतकारी प्राणायाम है ना, बड़ी मदद करते हैं, रोज करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी शीतकारी गुस्से को भी कम करते हैं, बीपी को भी नॉर्मल करते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं, नींद भी अच्छी आती है, इससे मन में प्रसन्नता भी रहती है। और गुस्से को कम करने के लिए एक औषधि भी मैं बताता हूँ, मेधावटी। ये जो मेधावटी हम देते हैं ना, ये मेधावटी बड़ी ज़बरदस्त है। वैसे भी ब्राह्मी, शंख पुष्प, उस्तकद्दूस, गाजवान, पुष्कर मूल और वचा, मीठी बच, ये बड़ी ज़बरदस्त है। सौंफ का पानी पी लें, ये शीतली शीतकारी बहुत अच्छा है। ठंडा पानी पीना चाहिए, हाँ कफ कोल्ड है और जोड़ों में दर्द है तो नहीं पीना, बाकी ठंडा पानी पीना, इससे भी गुस्सा कंट्रोल होता है। और सांसों पर मन टिकाने से आप ये भी दर्शकों को बता दें कि फ्रिज का ठंडा ना पी लें, मटकी का ठंडा पी लें, नहीं तो वो कहेंगे कि स्वामी रामदेव ने कहा था कि ठंडा ठंडा पानी पी लें, तो बर्फीला पानी पी लिया।